मन्नत, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। अभी आप परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आपने मुझे बताया था ना उसकी माँ सौतेली औरत है, पैसों की लालच में कैसे शोर मचा रही थी, देखा था भाई आपने? इंशाल्लाह किसी भी बात नहीं आने दूंगा मैं। मेरे होते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है बड़े भैया, मैं सोच रही हूँ उन पे क्या गुजर रही होगी, कितनी तकलीफ में होंगे वो लोग। देखो मन्नत, अब इस घर में उस लड़की का जिक्र नहीं होगा, उसके साथ जो हुआ हमें उसका अफसोस है, लेकिन उसकी वजह से हमें जो जिल्लत उठानी पड़ी है मजीद उठानी पड़ेगी, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसके साथ जुल्म तो हुआ है ना, हुआ भी हमारे घर में है। तो क्या हमने किया? हम इस तरह लोगों को घरों पर बुलाकर उनको बेइज्जत करते? तुम लोगों को तो जो कोई कहता है तुम लोग यकीन कर लेते हो। बड़ी हमदर्दियां हो रही थी उसके साथ, घर की बहू बनाने के ख्वाब देखे जा रहे थे, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता लेकिन कीमती तोहफे तहाय दिए जा रहे थे उसे। सिले में क्या मिला? जिल्लत। जिस घर में कभी पुलिस ने कदम नहीं रखा था, वो दो कौड़ी का इंस्पेक्टर आकर हमें जलील कर रहा है, धमका रहा है। यही होना चाहिए था, दूसरों की जाती जिंदगी में घुसने वालों के साथ ऐसा ही होता है। भाई इसमें नहीं आपका क्या कसूर, वो तो मासूम है ना, जुल्म तो हुआ है उसके साथ। जो भी है मन्नत, तुम इस मामले में नहीं बोलोगे, जो बात करूंगा मैं करूंगा, मुझे पता है इस घर की इज्जत को कैसे बचाना है। मैं आप ना इस घर की बहू थी ना बेटी, इस वक्त मेरा मसला इज्जत है जिसे मुझे बचाना है। उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, मुजरिम कौन है, ये वो पुलिस वाला जाने और उसका बाप।